सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार के जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्भिरणं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्तश्लोके दुर्गा शिवोवाच। देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकारविधायणे कलहिकारसिद्ध्यर्थ उपायं ब्रूहि रत्नतः। देव्योवाच। शिवदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश साधनम् मया तवैव सेहेनाप्यम्बासुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्रीदुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानी नाम विजयतासे देवी भगवतेः सा कलादादृश्यमोहाय महामाया प्रयच्छते। दुर्गे स्मिता हर्षभेदमशेषशान्तः स्वस्ते स्मिता मतिमतेव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखमयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवे नारायणे नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते वैवस्त्राहिनो देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तुते। रोगानशेषान्नपः चतुष्टा रुष्टा दुःखामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नानां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि। एवमेव त्वया कार्यम् अस्मभ्यर्विनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच। शतनाम प्रवक्ष्यामि शलश्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानी भवोचनी आर्या दुर्गा जयाचार्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्ता चण्डघण्टा महातपाः मनोबुद्धिरहङ्कार चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयि सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणि अनन्ता भावने भव्या 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 सदा गतिः।
शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बर परिधाना कलमञ्जीरञ्जनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गे मदङ्ग मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्रे कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमलाकर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्याज बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहन विशुम्ब शुम्ब हनने महिषासुरमर्दने मनोकैरवहन्द्रे च चण्डमण्डा विनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातने सर्वशास्त्रमये सत्या सर्वास्त्रधारणे तथा अनेकशास्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारणे कुमारी चैककन्या च केशरे युवते यते अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरे मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अनिज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रे तपस्वने नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलाधरे शिवदूते कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादने ज्ञायदां प्रभडे नित्यं दुर्गा नाम सदाशकम् नासाध्यं विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वते धनं धान्यं सुतं जाय अयमार्थिनमेव च चरवर्गं तथा चाण्डे लभेन्मोतिं च शाश्वते कुमारी पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजे परया भक्त्या पठे नाम सदाष्टकम् कस्यचिद्भवे देवे सर्वे सुरवरैरपि राजानो दासदाम्यान्ते राज्यमवाप्नुया द्वोरचनालक्रमकुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रेण विलक्षिरन्दं विना विदिज्ञ भवे सदा धारिते पुरारिः भौमामास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते विलक्ष्य पवने स्तोत्रं कभवे संवरापदम् इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ दिव्याह कवचम् ॐ अस्य श्रीदण्डे गजस्य ब्रह्मादिषे अयश्च चन्द्रः चामुण्डा देवता अङ्गनासोत्तमादरो बीजम् देववन्द्रदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बाभृत्यर्थे सप्तशते पादाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जगदम्बरमल्लोके सर्वरक्षाकरणिनां
जनकस्याचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मवाच अस्तुयतमं व्यत्रा सर्वभूतापकारकम् देव्यासु कवचं पुण्यं तश्चर्षमामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं गन्धखण्डेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्धमादेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति चाशमम् नवमं सिद्धिदात्रे च नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अनिनादयपाणस्तु शत्रुमध्ये गतारणे विषमे दुर्गमे चैव भयातः शरणं गताः नादेशां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नावदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येषु भक्त्या सुदानोऽनां तेषां वृद्धिः प्रजायते येषां सनन्ति देवेषु रक्षशैतान संशयः वेदसन्तातु चामुण्डा वाराहि महिषासना इन्द्रियगसमारूढा वैश्ववी गरुडासना माहेश्वरे वृषारूढा कौमारे शिववाहना लक्ष्मे पद्मासना देवे पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपाधरा देवी ईश्वरे वृषवाहना ब्राह्मी हंसमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येतामादरा सर्वा सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाट्या नानारत्नापशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्या क्रोधा समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शतं हरं च मुसलायुधम् खेदकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च कार्यन्दायुधानीतं देवानां जहिताय वै नमस्ते सो महारौद्र महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवे दुःश्लेष शत्रूणामयवर्धने राचारक्ष मामेन्द्रयाग्नेयमग्निदेवता दक्षिणे वधुवाराहि नैत्यां गर्गधारणे हृदि चामारुणे रक्ष वायव्या मृगवाहिणि उरि चामारुकौमारि येषानां शूलधारणे ओदं ब्रह्माणि मे रक्ष अरस्तादैष्टवे तथा एवं दशदिशो रक्ष चामुण्डा शवाहन जया मे चागदा पादो विजया पादो प्रेष्टितः अजिता वाम पार्श्वतो दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योधने रक्ष उमा मूर्धे व्यवस्थिता बालाटे च भ्रुवा रक्ष यशस्वने त्रिनेत्रा च भ्रुभोर्मध्ये यमघण्टा जनासिके शङ्कणे चक्षयोर्मध्ये श्रोत्रयो द्वारवासिनि कपोलकालिका रक्ष कर्णमूले दुशाङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोषे च चर्चिका अधरे च मृगला जिह्वायां च सरस्वती दन्तारक्षकौमारि कण्ठदेशे तु चण्डिका चण्डिकां चित्रकण्डा च महामाया च तालुके कामाक्षे चुमकं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला देवायां भद्रकाली च वृषभंश धनोधरि नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलकोभरि स्कन्ध्यः खड्गणे रक्ष बाहु मे वज्रधारणे हस्त्या दण्डने रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च नगाशूलेश्वरे रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरे
करारक्ष महादेवे मनः शोक विनाशने हृदय ललिता देवे उदरे शूलधारणे नाभो च कामणे रक्ष गह्यं गह्येश्वरे तथा भोजना कामिका वेदं गुरमहिषवाहिनी कट्यां भर्वते रक्ष जानुरे बिन्दवासने व्यङ्ग्य महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायने गुल्फयो नारसिंहे च पादपृषदजसे पावनाङ्गुलेषु शीलक्ष पादारस्तलवासने नरा द्रष्टाकराले च केशाञ्च बोद्धकेशने रोमकोपेषु कोबेरे त्वजं वागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामासान्यस्ति मेधांसि पार्वते अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुगणेश्वरे परमावरे परमरोषे कभे चूडामणि सदा ज्वालामुखे नभ ज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां क्षत्रेश्वरे तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मधारणे प्राणापानौ तथा व्यानं पुराणं च समानकम् रज्जहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रजरूपे च गन्धे च शब्दस्पर्शजयोगणे सत्त्वं ऋणस्त्वमश्चैव रक्ष नारायणे सदा आयु रक्ष महाराये धर्मं रक्ष वैष्णवे यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणे गोत्रमिन्द्राय मे रक्ष पशोन्मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मे भार्यां रक्ष भैरवे पन्तानां समता रक्ष मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मे विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनां दुःस्थानां वर्जितं कवचेन तु सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ते पावनाशने परमेकं न गच्छतु जयेच्छ शुभमात्मनः कवचेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्र लाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरमतुलं प्राप्स्यते भूतलेपमान् निर्भयो जायते मत्यः सङ्ग्रामेश पराजितः ते लोके तु भवेद्भुजः कवचेनामृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानां विदुर्लभम् व्यापरे प्रयतो नित्यं निसङ्ग्रं सद्यान्वितः देवी कलाभवे तस्य त्रैलोक्येश पराजितः जीवे वर्षणं साग्रमृत्यो विवर्जितः दर्शन्ति व्याधया सर्वे लोता विस्फोटकादयः कावरं जङ्गमं चैव कृत्रियं चापि यद्विषम् अभिकाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले गोचरा केचरा शैव जलजा चोपदेशिकाः साजा कुलजा माला डाकणे शाकणे तथा अन्तरिक्षाचरा घोरा डाकिन्नश्च महाबला भूतपिशाचाश यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माणा भैरवादयः दर्शन्ति दर्शना तस्य कवचैरिति संस्थिते मानोन देववैराग्यस्ते जावृत्तेकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्त शशैलवनकाननम् तावत् तिष्ठति मे दिन्यां सन्तते पुत्रपौत्रगे देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरेरपि दुर्लभम् रामो ये पुरुषो नित्यमहामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सहमोदते
अथार्गलास्तोत्रम् ओम अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णोर्षे अष्टौ छन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बापीतये सप्तशतीपादाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ते मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमस्तुते जय त्वं देव चामुण्डा जय भूतादिहारणे जय सर्वगदे देवे कालरात्रे नमस्तुते मधुकैणवभिधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुषा देहि वैशासुरनाशे भक्तानां सुहृदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुषा देहि रक्तबीजवधे देवे कण्डमण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुषा देहि शुम्भस्यैव न शुम्भस्य धूम्राक्षस्य रमर्दने रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुषा देहि वन्दिताग्निजुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुषा देहि अजेन्द्ररूपचरित सर्वशत्रो विनाशने रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुषा देहि न देव्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुषा देहि सुभद्रा भद्रिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुषा देहि चण्डिके सकलं जयत्वाम् अर्चयन्देह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुषा देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुषा देहि विदेहि दुषदां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुषा देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रयम् रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुषा देहि सुरासुरशिरोरत्नैकृष्टचण्डाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुषा देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनां कुरु रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुषा देहि प्रचण्डचैतगर्वण चण्डिकपणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुषा देहि चतुर्भुज चतुर्भक्त्र संसुध परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुषा देहि कृष्णेण संसुदे देवे शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुषा देहि हिमाचलसुधानाथ संसुदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुषा देहि इन्द्रावणिवरिसद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुषा देहि देवि प्रचण्ड दोदण्ड दत्तदर्पविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुषा देहि देवि भक्तजनोदम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दुषा देहि पत्ने मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा महास्तोत्रं पठेन
साधु सप्तशती संख्या परमा पुनोति संपदाम ओम अथ कीलकम ओम अस्याशे केलमंत्रस्य शिवानिशिः अनष्टम छन्दः श्रीमासरस्वते देवताम् श्रीलवणम् वापेत्यासम् सप्तशते पादाङ्गत्वेन जप विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डवाच ॐ निःशब्दज्ञानदेहाय दिव्यदेव्यचक्षुषे श्रियापादनिमित्ताय नमः सोमादधारिणे सर्वमेतद्यानेयान्मन्त्रानामविकीलकोऽपि सततं व्याप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चारणादेने वस्तूनि सकलानपि एतेन सुवतां देवे स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति कामन्त्रोणौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जातेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्राणि विसिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमाः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वे चण्डिकायास तच्च गुप्तं चकारतः समातेन यपुण्यश्च काम्यधावन्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेमो आप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायाम् पाचदशामष्टम् नामासमाहितः ददाति परिगन्नादे दानदेशा प्रसीदति इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्किलाम् विधायेनाम् नित्यम् जपति संस्फुटम् सिद्धासो गणासोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैव प्रतस्तस्य भयम् क्वापि न जायते नावमित्योपशं याते मृतभोषम् वाप्य ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति तदो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते बुधे सौभाग्यादिरज्ञे दृश्यते ललनाजने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदम् शुभम् शनिसो जप्यमाने स्तोत्र सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि तदा प्रारभ्यमेव तैश्वर्यम् जत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहाणि परमोक्षा श्रूयते धान किञ्जनैः ॐ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र आये नंदे नंदे हमे दे दे करो नंदे नंदे Shake
శిరోమణి తొంగయమాలయ శంకట జాలయ మధ్యగత మధుమధుర మధు కైలవ గంజన కైలవ భంజని రాజరద జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యక పరదిన శైల దుత ండపరాధిపదే జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యక పరదిన శైల దుత దుర మద శత్రుపదోరణిరే చతుర విచారు శివ దూత కృతమతాధిపతే దురేహ దురాజయ దుర్మతి దానవదోత కృతమతే జయ జయ హే వైశాసురం శైల కమర విశోచిత జోడిత బీజ సమస్తవ జోడిత బీజలదే శివం శుంభ మహావతరపిత భూత జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యక పరదిన శైల సుదే అనురను సంగర రక్షణ సంగ పరిశ్వర సంగర కడగే కనక పిశంకర సర్వ శంగుకే చతురంగ బలక్షి రంగ గణ బహురంగ బటుకే జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యక పరదిని శైల సుదే జయ జయ శస్త్ర జయ జయ శస్త్ర పరస్తుతి తత్పర వేగణుదే నాయక నాటిత నాట సుగానరదే జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యక పరదిని శైల సుదే హరి శుభ నా శుభ నా శుభ నా శుభ నా శుభ నో హరి గాంధీయుదే శీతల జనీర 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 జనీ కర భద్రవిదే సునయన విభ్రమర భ్రమర 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 భ్రమరాధిపదే పరదిన శైల సుదే కమల కళామల కోమల కాంతి కళాకర కమల బాలలదే సకల విలాస కళా నిలయ క్రమ కేలి చలస్కల హంస కుల హరి కుల సంకుల కువలయ మండల మౌలి ఫలాన సకలాది కుల జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యక పరదిన శైల సుదే జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యక పరదిని
अभी अंत में पृष्ठ नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि Bye.
श्रीराम वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्त जन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पवमय स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से, उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार, उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही है। सचिया ज्योता वाली माता जयकारा श्री राम वाली जी दा अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। अभी आपने श्री देवी कवच का पाठ किया, इसी के महात्म पवन करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गता न तेषां जायते किञ्च शोभं रण संकटे नावदं तस्य पश्यामि शोक दुख वयं नहि येस्तु भक्तास्मिता नूनं तेषां विद्धि प्रजायते येत्मां सुनन्ति देवेशि रक्षते तान संचा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, तो इस प्रकार भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्व देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्री जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। सचिया जोता वाली माता जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। ओम ज्ञानी नाम अभिचेतांसी देवी भवती सा वलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचिति। विभवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्व खींचकर मोह में डाल देती हैं, हम भक्तों की बात ही क्या है। एक बार स्वयं नारद जी अपनी महती नाम वीणा द्वारा गायन करते हुए श्वेत द्वीप में गए, जहां उन्होंने देखा कि वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, परंतु
जैसे ही नारद जी वहां पधारे वो वहां से उठ करके अपने अंतापुर में चली गई। तब नारद जी भगवान विष्णु से पूछने गए कि महाराज माता लक्ष्मी जी मुझको देख करके क्यों चली गई, मैं कोई नीच नहीं हूँ, कोई धूर्त नहीं हूँ, माया को जीतने वाला ब्रह्मचारी हूँ। जब इस प्रकार की बात सुनी भगवान विष्णु ने तो उन्होंने कहा कि नारद देखो स्त्री को अपने पति के सिवा किसी के साथ भी जो किसी के सानिध्य में भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए, ऐसी शास्त्र नीति है। और फिर बड़े बड़े योगी जन जो केवल वायु पीकर आराधना करते हैं वो भी इस माया को नहीं जीत पाए, तो आप क्यों अभिमान करते हो। जब ऐसी बात सुनी तो नारद के मन में उन माया को देखने की इच्छा प्रबल इच्छा हुई और कहने लगे यदि महाराज यदि माया ऐसी है तो मुझे उसके दर्शन कराओ। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अवश्य कराऊंगा, परंतु उसको देख करके आप जो मोह में नहीं पड़ना, दुखी नहीं होना। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ को बुलाया और दोनों गरुड़ पर बैठ के और जहाँ वो जाना चाहते थे उधर के लिए गरुड़ को प्रेरित किया। बड़े बड़े सुरम्य नगरों से होता हुआ गरुड़ कांडकुब्ज नगर में पहुंचा जहाँ पास में ही पहले एक सरोवर पड़ता था जिसमें नील कमल खिले हुए थे, पुष्प पराग से उसकी शोभा बढ़ रही थी। वहाँ उन्होंने गरुड़ को उतारा और नारद जी से कहा कि नारद बड़ी गर्मी है और इस सरोवर का जल मुनियों की थकान को मिटाने वाला है, आओ पहले इसमें स्नान करते हैं फिर कांडकुब्ज नगर में चलते हैं। पहले आप स्नान कर लो फिर बाद में मैं करूंगा। नारद जी ने अपने मृग चरणता वीणा भगवान विष्णु को दी, कुशा हाथ में ली और शिखा बांध करके वो सरोवर में स्नान करने लगे, परंतु जैसे ही उन्होंने जल में डुबकी लगाई तो बाहर आके देखा कि वो स्थिर रूप में परिणत हो गए हैं और अपने पीछे नारद के शरीर को बिल्कुल भूल चुके हैं। सुंदर आभूषण से युक्त वहां पर नारद जी स्थिर रूप में खड़े हैं और भगवान विष्णु मृग चरणता वीणा लेके चले गए। उधर नारद ने देखा कि एक राजा तालध्वज जो अपने सैनिकों के साथ हाथियों के साथ वहां आया हुआ है बड़ा सुंदर, और उसने जब उस युवती को देखा नारद जी को तो पूछा कि देवी आप कौन हैं और जहां किस लिए जहां पर एकांत पे बैठी हैं, आप देव कन्या हैं, गंधर्व कन्या हैं, कौन हैं। तब नारद जी ने बताया कि मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन हैं, मैं यहाँ अकेली हूँ और आपके आश्रित हूँ। उस समय राजा उस पर कामासक्त हो गया और उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनको कहा कि एक सुंदर पालकी ले आओ जिसमें सोने की झालें लगी हों, उसमें बिठा करके वो उसको घर में ले गया, विधि पूर्वक उसके साथ विवाह किया और समयानुसार उसके 20 पुत्र हुए। उस समय वो अपने आप को पटरानी समझती थी, सबसे सौभाग्यशाली स्त्री समझती थी कि मैं इस राजा की सबसे बड़ी रानी हूँ। फिर पौत्र भी हुए, बड़ी सुखी थी, कभी कभी उनमें झगड़ा हो जाता था या कभी वो बीमार हो जाते दुखी होती थी। एक दिन उस कांडकुब्ज नगर में उनके एक राजा ने चढ़ाई की और उसके सभी पुत्र तथा पौत्र जो सम्रांगण में वीर गति को प्राप्त हुए। तब वहां पर सम्रांगण में जाकर के नारद जी जो स्त्री रूप में पंडित हो गए हैं, पुत्रों की माँ और दादी हैं, वो विलाप कर रही हैं कि मेरे पुत्र तथा पौत्र सभी वीर गति को प्राप्त हो गए। उस समय भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया वहां पर आए और पूछा कि देवी आप कौन है और क्यों रो रही हैं। तो नारद जी बताया कि मेरे सभी ये पुत्र पौत्र सम्रांगण वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए मुझे रुद्र नारा है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आपके करोड़ों जन्म हो गए हैं, कितने पुत्र पौत्र हुए, आप किस किस के लिए विलाप करूंगी, ये जो समय है आपके तिलदान का समय है, किसी जो पुण्य क्षेत्र में जाकर के सरोवर में इनके जो तिल का तिल दान करूँ। तब भगवान विष्णु के साथ नारद जी चल पड़े और एक पुंग नाम सरोवर में वो स्नान करने लगे और जैसे ही स्नान किया तो उन्होंने देखा कि वो पुनः नारद रूप में आ गए हैं और उनको अपना जो पूर्व जो शरीर है वो स्मरण है और भगवान विष्णु सामने वीणा तथा मृग चरण लेके खड़े हैं और कह रहे हैं कि नारद इधर आओ, आप उधर क्या कर रहे हैं। उससे नारद जी पूछ रहे हैं कि महाराज ये क्या खेल था, मैं स्त्री रूप में परिणत हो गया था और अपने पीछे नारद के शरीर को भूल गया था और अभी मुझे सारा स्मरण है। उधर राजा विलाप कर रहे हैं कि मेरी स्त्री कहाँ चली गई, वो स्नान करने गई थी और आई नहीं, कहाँ चली गई। तो उस समय नारद जी भगवान विष्णु बता रहे हैं कि ये पहले वो एक संयोग था जिसमें आपको स्त्री वो आपको प्राप्त हुई, अभी ये वियोग का समय है, जैसे आप पहले थे बिना स्त्री के अभी वैसे ही हो गए हैं, ये चक्री वांति सुख तो गाते रहते हैं, इसलिए इसमें समान रहना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य चढ़ता हो भी लाल है, अस्त होता भी लाल है, इसलिए इसी प्रकार सुख दुख में समान रहना चाहिए। यदि हम सुख में सुखी नहीं होंगे तो दुख में दुखी भी नहीं होंगे। और नारद जी कह रहे हैं कि महाराज जी क्या था,
तो उस समय भगवान विष्णु ने बताया कि यही महामाया है। ज्ञानी नाम अभिचेतांसी देवी भगवती सा वलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी बलपूर्वक खींच कर मोह में डाल देती हैं, इसलिए हम मोह में ना पड़े। हमें सदैव इन्हीं महामाया की शरण में, जो इस दिव्य गुफा में त्रिशक्ति के रूप में संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल यहीं विराजमान होती हैं, आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक है, उपरा के तीन स्वरूप और इनके चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही है, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पाड़ी पर प्राकृत रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, भटो प्रहलाद जी और साथ में महाराज जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं विच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इस निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरण में बैठे हुए हम सभी भक्त यहाँ तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्छे। 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 सचियां जोता वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी सुचारू रूप से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते ही माता बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मणिन्द्र जी से अपनी मधुर वेण प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मणिन्द्र जी। जयकारा शेरवाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी है। मेरे घर में कोई कमी नहीं, मेरे घर में कोई कमी नहीं, मेरे घर में कोई कमी नहीं, मेरे घर में कोई कमी नहीं। ओ मेरे घर में कोई कमी नहीं, बस तेरा आना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दाती, जो मेरे घर में आओ माँ, जो मेरे घर में आओ माँ, मेरा घर तीर्थ बन जाएगा, मेरा घर तीर्थ बन जाएगा। मैं भीतर जाऊंगा मैया, मैं भीतर जाऊंगा मैया, जो आएगा तर जाएगा, जो आएगा तर जाएगा। इज्जत शोहरत दौलत भी मिली, मेहरों का खजाना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा
दर्शन पाना भाभी। मैंने सब कुछ पाया दादी, तेरा दर्शन पाना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दादी, तेरा दर्शन पाना बाकी। सब मुरादें पूरी होती है, सब मुरादें पूरी होती है भैया जी तेरे दरबार में। भैया जी तेरे दरबार में तेरे दर्शन कोई नहीं देखा, तेरे दर्शन कोई नहीं देखा। दरबार ऐसा संसार में, दरबार ऐसा संसार में उधर दर की ठोकर खाई है, बस तेरा ठिकाना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी। मेरे घर में कोई कमी नहीं, मेरे घर में कोई कमी नहीं, मेरे घर में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। ओ मेरे घर में कोई कमी नहीं, बस तेरा आना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना भक्त तेरे भोले भाले। भक्त तेरे भोले भाले तेरे शुक्र गुजार है, तेरे शुक्र गुजार है। तेरी ही कृपा से सबको मिली, तेरी ही कृपा से हमको मिली। माँ अपरंपार है, खुशियाँ अपरंपार है। तर के लाखों माँ भक्त तेरे सेवादार दीवाना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी। मेरे घर में कोई कमी नहीं, मेरे घर में कोई कमी नहीं, और मेरे घर में कोई कमी नहीं, मेरे घर में कोई कमी नहीं। ओ मेरे घर में कोई कमी नहीं, बस तेरा आना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना। वो सब कुछ तुमसे पाते हैं, वो सब कुछ तुमसे पाते हैं। एक नजर मेहर की कर दो माँ, एक नजर मेहर की कर दो माँ। मेरी खाली झोली भर दो माँ, मेरी खाली झोली भर दो माँ। यूं तो गाए हैं गीत बहुत, भक्ति का तराना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी। माँ मेरे घर में कोई कमी नहीं, मेरे घर में कोई कमी नहीं, मेरे घर में कोई कमी नहीं, मेरे घर में कोई कमी नहीं। ओ मेरे घर में कोई कमी नहीं, बस तेरा आना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी।
छुपाया दाती तेरा दर्शन पाना बाकी है मैंने सब कुछ पाया दाती तेरा दर्शन पाना बाकी ओ मेरी मैया झंडे वाली है मेरी मैया झंडे वाली है ये कुल दुनिया की वाली है ये कुल दुनिया की वाली है ये सबकी रक्षा करती है सबकी रक्षा करती है कण कण में बसने वाली है कण कण में बसने वाली है चरणों में बहती गंगा का चरणामृत पाना बाकी है मैंने सब कुछ पाया दादी हाँ मैंने सब कुछ पाया दादी तेरा दर्शन पाना बाकी है मैंने सब कुछ पाया मेरे घर में कोई कमी नहीं मेरे घर में कोई कमी नहीं माँ मेरे घर में कोई कमी नहीं मेरे घर में कोई कमी नहीं ओ मेरे घर में कोई कमी नहीं बस तेरा आना बाकी है मैंने सब कुछ पाया दादी तेरे दर्शन पाना बाकी है मैंने सब कुछ पाया दर्शन पाना बाकी है मैंने सब कुछ पाया दादी तेरा दर्शन पाना बाकी हाँ तेरा दर्शन पाना बाकी है तेरा दर्शन पाना बाकी मामा तेरा दर्शन पाना बाकी है तेरा दर्शन पाना बाकी हाँ तेरा दर्शन पाना बाकी है तेरा दर्शन पाना बाकी मामा तेरा दर्शन पाना बाकी है जयकारा शेरोवाली जी का बोल सच्चे दरबार एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल जी जयकारा शेरोवाली का बोल सच्चे दरबार की जय भगतान पुछ के पुजारियान पुछ के भगतान पुछ के पुजारियान पुछ के दिल दी मैया नु गल कह आईया दिल दी मैया नु गल कह आईया मैं आईया दरबार बचड़ा ले मेरी झोली खाली हाँ बोली मैनू करमा वाली हाँ बोली मैनू करमा वाली मान परी मेरी झोली खाली मान परी मेरी झोली खाली हाँ बोली मैनू करमा वाली हाँ बोली मैनू करमा वाली ना पैसा ना तेला लगया ना पैसा ना तेला लगया भगदान बुझ के
पुछ के बुझाइया न पुछ के दिल दे मैया नु गल के आईया दिल दी मैया नु गल के आईया परे पंडा तो बचड़ा ले आईया माल परे पंडा तो बचड़ा ले सच्ची सरकार तो बचड़ा ले आईया सच्ची सरकार तो बचड़ा ले कहे नमा
ਦਾਤਿਆ ਪਰਮ ਪਾਤ ਵਖੜਾ ਲੈ ਆਈਆ ਦਾਤਿਆ ਪਰਮ ਪਾਤ ਵਖੜਾ ਲੈ ਭਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾਉਂ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾਉਂ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾਉਂ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾਉਂ ਮੈਂਕਿਸ ਦਰ ਜਾਉਂ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਤੇਰੇ
किस दर जाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं, प्रीति न करने देते हैं, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं, प्रीति न करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलो आपसे रोक मुझे ये लेते हैं, रोक मुझे ये लेते हैं, कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोग मुझे ये लेते हैं, रोग मुझे ये लेते हैं। फिर कैसे अंग आपके दर्शन पाऊं मैं, भवानी कैसे अंग आपके दर्शन पाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, भवानी किस दर जाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। जयकारा शेरावाली दर, बोल सच्चे दरबार की जय। प्रातर्नमामि महिषासुरचण्डमुण्ड शुम्भासुरप्रमुखदैत्यविनाशदक्षा ब्रह्मेन्द्ररुद्रमुनिमो हनशीललीला चण्डी समस्तसुरमूर्तिमनेकरूपा सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। आज बिकवाली शुभ संबत 2076 उत्तरायण उत्तर गोल ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास के आज 15 प्रविष्ट हैं। कृष्ण पक्ष आज नवमी तिथि है। रविवार तदनुसार 28 अप्रैल सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज विशेषतया नवमी के दिन माता जी के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि अष्टमी नवमी और चतुर्दशी के दिन की ही माता की पूजा से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरी भूति करने दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभुर भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्रानामुदयस्तव श्रीर्वर्चस्व आयुष्यमारोग्यमावेदात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की। अभी सभी भक्तजन उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंत पर सभी आरती है सभी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय जामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी। ओ
मैया जी को जगन नाथ हरि ब्रह्मा विभरी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराज की को मृग मद को मैया जी को मृग मद को गल माला रक्त पुष्प गल माला पर ओम जय अम्बे गौरी हरि वाहन राज खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर ओम जय अम्बे गौरी
मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे वाली माता तेरी सदा जय करा शेरा वाली जी दा बोल सके दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पसार चुके हैं। वे इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी बोलो जय माता जय हो बेला जय माता दी राधा बेला जय माता दी हाथ बेला जय माता दी हाथ बुलंदी जय माता दी जय माता दी मेरा कर दे जय माता दी दुनिया भर दे जय माता दी भरे कराने जय माता दी सोलो आने जय माता दी गोदावर दी जय माता दी वीर देनी जय माता दी लाल देनी जय माता दी बाणे सुनया जय माता दी उच्ची बोलो जय माता दी हाथ भी खोलो जय माता दी ताली बजा के जय माता दी जोतां वाली जय माता दी लाटां वाली जय माता दी चोलियां वाली जय माता दी सुनियां वाली जय माता दी चूड़ियां वाली जय माता दी पहाड़ां वाली जय माता दी मंदिरां वाली जय माता दी झंडियां वाली जय माता दी घंटियां वाली जय माता दी द्वारां वाली जय माता दी भवनां वाली जय माता दी शेरां वाली जय माता दी गुफा वाली जय माता दी हाथ वाली जय माता दी रानी जय माता दी बाबा रानी जय माता दी ठंडी रानी जय माता दी वैष्णो देवी जय माता दी बाबा काली जय माता दी खप्पर वाली जय माता दी लक्ष्मी मैया जय माता दी काकी द्वारी जय माता दी भरे खजाने जय माता दी ए सोला याने जय माता दी सरस्वती मां जय माता दी हंस द्वारी जय माता दी विद्या नदी जय माता दी ज्ञान नदी जय माता दी बुद्धि नदी जय माता दी शक्ति नदी जय माता दी जय जय अंबे 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 सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जय करा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्त दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। ब्रज में गुरु जी को वंदना द्वितीय याद गणेश तृतीय शिमला शारदा मेरे कार्य करो हमेश जय आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैं आठ पहर तो सकने जो सनाता ध्यान जय मां।
चक्र गजेशु जाप भजगा शूलं शुंडिं चरा शंखं सन्दधते करेश नयना सर्वांग भूषाभृता नीराश मद्धिमात्र पाद दशता देवे महाकालिका ज्ञावस्तु कविते हलो कमलजो अंतं मधुं केतवम् अक्षसर्पशृङ्गदेशकुलशं परमं धनुष्कुण्डिका गण्डां शक्तिमतिं च धर्मजलजं गण्डाकुलाभाजनं शूलं भाजसुदर्शनेन सदति हस्ते प्रसन्नानन सेवे स्वेनवमर्दने महा लक्ष्मी सरोजस्थिता गण्डा शूलहलादि शङ्खमुदरे चक्रं धनुं सायकम् हस्ताशेदा चतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां जगता आधारभूता महा पूर्वामस्त सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदत्यार्दिनी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव विद्या समिनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव शान्तारायं भुजगशरणं मनागं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुमांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं गोपीविन्दं विष्णु भवरणं सर्वलोकेनाथं वसुदं केशवं रामनारायणं कृष्णावतरं वासुदेवं भगवं गोपिका वल्लभं वाणी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे मुरारे मधुकेतवारे गोविन्द गोपाल ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमोस्तुते हे माई मेरी सच्चिया जोदा वाली माता पंचकुला रानी माता तेरी सदा सर्वसदा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा लोंकड़ा वीर ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय धर्म की जय धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत वर्ष बोलो हर 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 महादेव बोलो बाबा श्री धरती सनातन धर्म की जय गो माता की जय बोलो सच्चे दरबार की पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय आप सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता जी। Thank you.
Thank you.